हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन. सो आज हम लोग दोबारा मिल गए हैं. हम रोज़ मिलते हैं 9:30 के सेशन पर हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ. और ये कोर्स है अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC पर. तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें. स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मीतू भावनानी, ये मेरा टेलीग्राम है. टेलीग्राम ऐप को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में इंस्टॉल करके इसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स के लिए, यूट्यूब सेशंस के लिए, कुछ अपडेशंस के लिए. स्कूल रीओपनिंग पर मैं एक सेशन देने वाली हूँ, ठीक है? उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली है. उस सेशन को मैं कल रखूँगी. टाइमिंग मैं रात में टेलीग्राम पर बता दूँगी कि किस तरीके से गाइडलाइंस आई हैं आपके स्कूल जो 31 सितंबर से ओपन होने वाले हैं, और अदर अपडेशंस जो भी बायोलॉजी फाउंडेशन से रिलेटेड है वो मैं कल आपको दे दूंगी. आज मैं पूरा उस पर बना लूंगी कि कुछ भी छूटे नहीं, इसलिए आज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि 2-3 और अपडेशंस आने वाले हैं जो आज आ जाएंगे, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री से. तो उनको पूरा स्कैटर्ड करके मैं कल बीच में कोई भी एक टाइम को चूज़ करके आप लोगों को वो सेशन दे दूंगी. तो रात में मैं आज उसको टेलीग्राम पे बता दूंगी आप लोगों को. ये है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है अभी के अभी. दूसरी बात बच्चों, बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है. बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूँ. पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ, इसलिए प्रैक्टिस के साथ पढ़ाती भी हूँ, ठीक है. प्योरली अन अकेडमी पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. अन अकेडमी पर मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस को बायो पढ़ाती हूँ. 9, 10 स्कूल लेवल पर अपना जो भी कवर होता है पूरा CBSE कवर करवाती हूँ. कॉम्पिटिशन में मेनली आपका NTSC पूरा कवर हो जाता है, NSCGS एंड KVPY ऑल्सो. एक्चुअली जब आप फाउंडेशन की तैयारी करते हो और हायर क्लासेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको ले दे के 9, 10 तो पढ़नी है ही, लेकिन 11, 12 का थोड़ा थोड़ा कोर बेसिस भी पता होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा पढ़ लो, ठीक है. तो जितना फिल्टर्ड फॉर्म में मैं आपको नोट्स देती हूँ वो ये रहा. नोट्स में यहाँ पर लिखाती हूँ, इसलिए उसकी कोई PDF में शेयर नहीं करती हूँ. आप लोग लिखिए कॉपी बनाकर, तभी आपको समझ में आएगा. मेरे साथ बेहतर स्टडी मटेरियल से जुड़ने के लिए डाउट क्लियरिंग, रोज का लाइव सेशन, आपको पर्सनली हैंड टू हैंड डाउट पूछना है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है, अनअकैडमी पर. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए और लीजिए फाउंडेशन एंड NTSC का सब्सक्रिप्शन. कैटेगरी आएगी फाउंडेशन एंड NTSC का सब्सक्रिप्शन, जो कि 1 साल का और 2 साल का बहुत बेस्ट होता है. मेरा कोड है MB10, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ एडिटिंग हो नहीं पाती है. MB10 मेरा कोड है, ठीक है. एक सब्सक्रिप्शन से आप मेरे साथ बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ में ये कोड मेरा यूनिवर्सल है. आपको UPSC की तैयारी करनी है, कोड डालिए, 10% डिस्काउंट को लीजिए. नीट की तैयारी करनी है तो ये कोड डालना है, क्योंकि मेरे प्लस पे आएंगे. फाउंडेशन की तैयारी करनी है, ये कोड डालिए, मेरे साथ प्लस पे आएंगे, ठीक है. तो अभी मैं मेरा स्टडी मटेरियल अपडेट करा रही हूँ. पहले वो थ्योरेटिकल वाइज था, अब उसमें क्वेश्चन बैंक भी डल रहा है. तो ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे. तो 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, 1-2 साल की बढ़िया तैयारी भी मिल रही है, और साथ में एक्स्ट्रा एडिटिव ये चीज़ें भी मिल रही हैं. तो क्यों ना हम जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेके बेनिफिट उठाएं, क्योंकि आपके बोर्ड्स की डेट भी आ गई है 15 फरवरी 2021. उस पर भी मैं कल ये मिक्स ओपन सेशन रखूंगी कल फाउंडेशन के लिए, ठीक है. आज और अपडेशंस आने वाले हैं तो उनका वेट कर रही हूँ मैं, उनको क्लब करके कल एक सेशन दे दूंगी. तो आप मुझे खुद ये बताओ कि जब आपको टाइम कम है तो बेहतर करना है हम लोगों को, ठीक है. तो ये जो सुबह वाला है ये फाउंडेशन कोर्स फॉर 9th, 10th है. इसमें एक दिन क्लास 9th और एक दिन क्लास 10th चलता है. क्लास 9th में डाइवर्सिटी चल रहा है. हम जल्दी एनिमल किंगडम को अब खत्म करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम लोग सेल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ठीक है, वी विल एक्सटेंड द नंबर ऑफ आर, डोंट वरी फॉर दैट.
ओके लेकिन ये एक क्रैश कोर्स टाइप नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक महीने में आपका कोर्स करा दूं, ये एक ईयर लॉन्ग कोर्स है मेरे लिए, तो मैं ईयर लॉन्ग के हिसाब से ही चलूंगी, ना बहुत धीमी स्पीड में चलूंगी ना ही बहुत जल्दी स्पीड में चलूंगी। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये ईयर लॉन्ग है, तो ध्यान रखना, आप ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं 20 दिन में ही कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। हाँ ये है कि बीच में जैसे हमारा CBSE बोर्ड जब नज़दीक आने वाला होगा, उससे पहले हम लोग मैराथन सेशंस को लेकर एक क्रैश कोर्स की तरह इस सिलेबस को ट्रीट कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी ये ईयर लॉन्ग है तो मैं ईयर लॉन्ग की तरह ही चल रही हूँ। चलिए, क्योंकि बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में समझ में कुछ भी नहीं आएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। ओके, एंड वी वॉन्ट कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाए कि वो इन फ्यूचर में हमें हमेशा काम है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो एग्जाम वाले दिन देखा जाता है, उसको इतना सोचो मत पहले, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम लोग इसमें किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, ठीक है? लास्ट चल रहा है हमारा। किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर क्या चल रहा था? आपका फाइलम निडेरिया। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम लोग इनवर्टिब्रेटा और नॉन कॉर्डेटा को सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? तो फाइलम निडेरिया में हम लोग जो, देखो जिसको याद नहीं है वो इन सब पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट्स एक बार देख लो फटाफट, इन पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये पॉइंट्स के हिसाब से हम एक एक फाइलम को बढ़िया तरीके से लिख लेंगे, ठीक है? चलिए, बॉडी वॉल जैसे हम लोग किस पे थे, स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता है कि दिख कैसे रहा, ये मैंने लिखवा दिया था। फिर इंटरनल में बॉडी वॉल कैसे आती है, ठीक है? अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल को कंसिडर करें कि ये हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? हाइड्रा के अंदर भी गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी होती है, ये कैविटी है, ठीक है? गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। अब यहां पर क्या है, इसके पास, हाइड्रा के पास टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स मूवमेंट के लिए भी काम आते हैं और ये टेंटेकल्स प्रोटेक्शन के लिए, अडहेशन के लिए भी काम आते हैं। तो हम लोग ये, यहां तक मैंने पहले लिखवा दिया था, आप कंटिन्यू में लिखो, हाइड्रा हैज टेंटेकल्स मतलब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स। प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स, अब इसके ऊपर, इसके टेंटेकल्स के ऊपर ऐसे अडहेसिव ऑर्गन नीडोसाइट्स होते हैं, या नीडो ब्लास्ट भी कह सकते हो ये। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो नीडो ब्लास्ट, इनके टेंटेकल्स के ऊपर, टेंटेकल्स हैव नीडो ब्लास्ट, जिनको स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ऑब्वियसली कोई नॉन लिविंग मटेरियल तो होगा नहीं टेंटेकल्स पे होकर, उन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है? तो नीडो ब्लास्ट है, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या दिया गया, निडेरिया।
मतलब निडेरिया फाइलम है, ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, निडेरियंस. वाई? बिकॉज दे आर नीडोब्लास्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर नीडोब्लास्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो नीडोब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब सेल होता है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है. जैसे कोई भी प्रे इसको मारने आया, कोई भी सॉरी प्रिडेटर इसको मारने आया, तो ये क्या करेगा, इस नीडोब्लास्ट को, इस नीडोब्लास्ट को, ये नीडोब्लास्ट उस टाइम पे क्या करता है, जैसे कोई भी प्रेडेटर हाइड्रा को खाने आया, तो ये क्या करेगा, इस नीडोब्लास्ट को ऐसे स्प्रिंग की तरह खोल देगा. जैसे ही स्प्रिंग की तरह खोलेगा, वो स्प्रिंग उस प्रेडेटर को क्या करेगी, एकदम लग जाएगी. उसकी आंख पे लग सकती है, मुंह पे लग सकती है, और उस प्रेडेटर वो एकदम समझ नहीं, जैसे किसी की आंख में आप मिर्ची डाल दोगे तो आप उस टाइम पे भाग सकोगे क्योंकि कुछ नजर नहीं आएगा. तो नीडोब्लास्ट क्या है, एक तरीके से स्टिंगिंग सेल से, स्टिंग मतलब जैसे डंक मारना, हनी बी का स्टिंग होता है ना, जैसे कोई इंसेक्ट है वो आपको डंक मार के चले गया, लाल लाल हो गया. तो एक तरीके से जब भी कोई प्रिडेटर इनको खाने आता है, ये नीडोब्लास्ट के अंदर से एकदम ऐसी स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर निकलता है और वो उस प्रिडेटर को एकदम स्टिंग और डंक मारता है, और उस समय पर ये भाग सकता है वहां से. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं नीडोब्लास्ट ऑन प्रीडेटर, या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, नीडोब्लास्ट या फिर स्टिंगिंग सेल्स या फिर नीडोसाइट्स. ठीक है, दे आर बिहेव एज स्टिंग सेल्स. ठीक है, ऑन अप्रोचिंग ऑफ अ प्रीडेटर दैट कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑल्सो, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम नीडोब्लास्ट. ठीक है, एंड हिट द प्रिडेटर. इज इट क्लियर? एंड हार्म द प्रिडेटर. गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरी वन? इसको इतना लिख लो. यस, व्हाट आई एम टीचिंग इज सफिशियंट, बहुत है इतना. ठीक है, अब हमने वॉल्स भी पढ़ ली थी, इसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रिशन. इसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रिशन. क्या खाना खाते हैं भाई न्यूट्रिशन में, बताओ क्या खाना खाएंगे. कॉमन सेंस की बात है, ये फोटोट्रॉफ्स तो है नहीं, ये हैं तो हिटरोट्रॉफ्स, तो और मेनली भी पानी में ही रहते हैं, तो ये क्रस्टेशियंस खा सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स खा सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स खा सकते हैं. ठीक है, हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और क्या कह सकते हो आप, तो ये क्या हो गए, हिटरोट्रॉप्स. ईट जू प्लैंक्टन्स,
फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। और आपको पता है कि ये अगर हाइड्रा है लॉन्ग सिलिंड्रिकल, तो ये एक तरीके से हाइड्रा का माउथ ही कंसीडर करोगे आप, क्योंकि आपको बॉडी प्लान पता है ना, ब्लाइंड सेक है, माउथ ही एंट्री का काम करता है और माउथ ही एनस इजेशन का काम करता है। यहां पर बंद है ना, ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक है ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, एंट्री ऑफ फूड बाय माउथ। अब आप जब न्यू फाइलम पढ़ो ना, तो पुराने फाइलम से उसका कंपैरिजन करो। पॉरीफेरा में मुंह कहाँ था? नहीं था, उसमें सिर्फ ऑस्टिया थे, सब कुछ ऑस्टिया से ही जा रहा था, फूड ऑस्टिया से जा रहा था, ऑक्सीजन ऑस्टिया से जा रहा था, पानी सर्कुलेशन ऑस्टिया से जा रहा था। तो ऑस्टिया के तरीके से फाउल्स फॉल्स माउथ थे, वो माउथ है नहीं, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन कैसा होगा बताओ, कैसा डाइजेशन आप कंसिडर कर सकते हो इसके अंदर? भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि डाइजेशन के लिए कोई भी एज सच वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एलिमेंटरी कैनाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन है, वो किस तरीके से होगा? इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर। जो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसके आसपास जो लेयर है वो कौन सी है? ये क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और ये क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस, जो उस कैविटी को घेर के बैठी हुई है। गेटिंग माई पॉइंट? अब खाना गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में भी, तो जब ये कैविटी में जा रहा है, तो आप इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंसिडर कर सकते हो, पर एज सच बहुत ही स्मॉल अमाउंट जाता है, तो नेग्लिजिबल है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। खाना किस में गया? गैस्ट्रोडर्मिस में। और फूड का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, तो इंट्रासेल्यूलर है, क्योंकि नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या आप कह सकते हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। यही माउथ की तरह बिहेव करेगा और यही ही एनस की तरह, क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, ये इस तरीके से बॉडी है, यही माउथ है एंट्री ऑफ फूड के लिए और यही एनस है इजेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या आएगा? रेस्पिरेशन। डाइजेशन के बाद क्या आएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। मैंने बताया था आप लोगों को, जो 10th में हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, वहां पर जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? भाई अभी फाइलम बनना स्टार्ट ही हुआ है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो अभी तो जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। ठीक है, ये जनरल बॉडी से ही ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा रेस्पिरेशन के बाद? सर्कुलेशन। क्या होगा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे होगा? भाई जैसे कोई भी चीज माउथ से गई, तो पूरी इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से घूम घूम के सारे बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी। तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हो, बाय गैस्ट्रो वैस्कुलर
वैस्क्युलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रोडर्मिस में फूड का डाइजेशन हुआ, फिर वहीं से ही एब्जॉर्प्शन होगा और सारी गैसेस इसी सिस्टम से निकलेंगी। ठीक है, अब आता है एक्सक्रीशन। मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स भर भर के पानी में रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स भर भर के पानी में रहेंगे वो क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट अमोनिया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सिस्टम है? जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि आपको बेसिक्स मैंने बता दिए हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा? स्केलेटल सिस्टम में देखो, स्केलेटल सिस्टम अगर देखा जाए तो जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा के बाहर क्या है? कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। भाई पानी में मिनरल्स होते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है, कैल्शियम इस पे डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, ये डिपॉजिट होने लग जाता है, पूरा का पूरा कैल्शियम क्या होगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा इस पर, ये CaCO3 की लेयर। तो ये बाहर का एक्सोस्केलेटन क्या हो गया? हार्ड हो गया। बॉडी अंदर से सॉफ्ट है, तो अगर बाहर का हार्ड कर दोगे तो बेटर है ना, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। एक्सोस्केलेटन परसिस्ट कर सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो जहां पर भी कैल्शियम होगा वहां हार्ड होगा। और अंदर अगर आप थोड़ा बहुत, एज सच तो कोई एंडोस्केलेटन नहीं है, पर अंदर की बॉडी देखोगे तो अंदर की बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? स्केलेटल सिस्टम के बाद, स्केलेटल सिस्टम के बाद भाई लोकोमोशन देख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, लाइट गई है, मैं इन्वर्टर की आवाज बंद करती हूँ, जस्ट अ मिनट। डन स्टूडेंट्स, चलो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन ये एक जगह दूसरी जगह कैसे हिलेगा? भाई टेंटेकल्स क्यों डाले हैं मैंने? बाय टेंटेकल्स, जो एक तरीके से फ्लैजिला की तरह स्ट्रक्चर्स है ना, उसके बाद नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। अगर कहीं नर्वस सिस्टम है तो सेंस ऑर्गन खुद ही परसिस्ट करेंगे। देखो होता क्या है, पहली बार इस फाइलम में नर्वस सिस्टम दिखेगा। अगर नर्वस सिस्टम दिख रहा है तो न्यूरॉन जरूर होगा, भले ही बहुत प्रिमिटिव इल डेवलप्ड ही दिखा, पर दिखा। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन केम इन टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, पर न्यूरॉन बहुत गजब के डेवलप नहीं होंगे। एक तरीके से जो न्यूरॉन्स हैं वो ए पोलर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये एक होगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर साइटोन का, और उससे डेंड्राइड एक्सॉन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस निकल रहे हैं। तो ये चीज आपको ऐसे हाइड्रा में नजर आ सकती है। सो दे आर सेंसिटिव। जैसे अगर आप हाइड्रा को स्विमिंग पूल में डाल दो, क्लोरीनेटेड वाटर में डाल दो, तो वो भाग जाएगा। भागने का मतलब है कि स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है, और स्टिमुलस का डिटेक्शन ओनली एंड ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक दिन नाइन्थ का लेक्चर आता है जो बच्चा पूछ रहा है, और दूसरे दिन टेंथ का आता है। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको इस पढ़ने के साथ
डाउट भी क्लियर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, 32 इयर्स के पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन अभी के अभी फाउंडेशन NTSC का ले लो। एक या दो साल का कोड डाल देना MB10। टेलीग्राम पे आप मुझे मीतू भावनानी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि कल मैं आप लोगों को स्कूल से रिलेटेड और दो तीन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज आने वाली हैं HRD मिनिस्ट्री से, इससे मैंने आज नहीं दिया है, उन सबको क्लब करके मैं कल आपको एक सेशन दे दूंगी। कितने बजे दूंगी वो रात में मैं स्केड्यूल टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, ठीक है? अब आप ध्यान रखना कि जब भी न्यूरॉन्स होंगे सेंस ऑर्गन उनकी खिड़कियों की तरह प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूरॉन है पर सेंस ऑर्गन नहीं है तो स्टिमुलस पहुंचेगा कैसे, ठीक है? तो सेंस ऑर्गन, हाँ ये लिख सकते हो कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये अभी बहुत ही इल डेवलप्ड है, बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है। गेटिंग माई पॉइंट? सेंस ऑर्गन में जो सेंस ऑर्गन होता है वो एक स्टेटोसिस्ट की तरह होता है। स्टेटोसिस्ट मतलब ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग। भाई ये पानी में रह रहा है, पानी के करंट्स आते हैं वाटर करंट्स, तो इधर उधर ना हिले, स्टेशनरी रहे सबस्ट्रेटम पर, तो वाटर के प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास स्टेटोसिस्ट रहता है। और तो और इनके पास जो टेंटेकल्स होते हैं, जो हाइड्रा के टेंटेकल्स होते हैं, उनमें भी कुछ सेंस ऑर्गन्स की तरह होते हैं। उन सेंस ऑर्गन्स में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेंटिक्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं? टेंटिक्यूलोसाइट्स। सेंस ऑर्गन्स में लिखो ऑन टेंटेकल्स सम कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। टेंटेक्यूलोसाइट्स। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। मतलब एग्जाम्पल्स में आपको या तो अब स्टार्टिंग में ही लिखा दूंगी, क्योंकि फिर हम लोगों को एक एग्जाम्पल लेके भी तो चलना पड़ेगा पूरे फाइलम को समझने के लिए। रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि सेक्सुअलिटी को देखो, अभी इनिशियल है तो बाइसेक्सुअल है, दोनों ही सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर हैं। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? आपको पता है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से भी होता है, बडिंग मेनली हाइड्रा में। हाइड्रा क्या करता है? बेबी बर्ड बनाता है ना, ऐसे बेबी बर्ड बनाता है। और अगर सेक्सुअल के बारे में बात करें कि भाई सेक्स ऑर्गन्स हैं और गैमीट्स का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई, ठीक है, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके पास जो कुछ सेल्स होते हैं, ऑर्गन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेल्स टू फॉर्म गैमीट्स, तो कुछ सेल्स मेल गैमीट को बनाएंगे, कुछ सेल फीमेल गैमीट को बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, क्योंकि भरपूर पानी है इनके पास, तो गैमीट्स को बाहर रिलीज करके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसका यहां पर लिख लो थोड़ा सा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अंडा दिया या फिर यंग वन को ले किया, ओवीपैरस। और डेवलपमेंट कैसा है? ये पॉइंट्स अब आपने याद कर लिए ना, आपका एनिमल किंगडम टिप्स पे होगा। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट भी हो सकता है कि अंडे में से बच्चा निकला इन्फेंट और डायरेक्ट एडल्ट बन गया। इनडायरेक्ट, अंडे में से बच्चा निकला, पहले लार्वल इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, उसके बाद एडल्ट आएगा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या लिखूंगी? एग्जिबिट लार्वल स्टेजेस, ठीक है, लिख लो इसको।
गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब एग्जाम्पल्स ले लो. एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएंगे? इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएंगे बताओ. कौन से एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो? हाइड्रा, कौन सा एग्जाम्पल? हाइड्रा और ऑरेलिया. ऑरेलिया एक ब्रांड आता है ना जिसके एथनिक कपड़े आते हैं. जेली फिश, फिश नाम है पर फिश है नहीं. ट्रू फिश होने के लिए फिन्स होना बहुत जरूरी है. और फाइसेलिया, और क्या क्या एग्जाम्पल है? वेलेला. एडम्सिया. जिसको सी एनेमोन भी कहते हैं. और फाइसिलिया को पोर्टुग्यूज मैन ऑफ वॉर. ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है इसलिए इनके नाम है. इनको आप डायरेक्ट लर्न करिए, कोई इतना पूछेगा नहीं. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? चलो नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू द थर्ड फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेटा, दैट इज टीनोफोरा. कौन सा? टीनोफोरा. टीनोफोरा में वही इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? टीनोफोरा मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाएंगे? टीनोफोर्स. क्या कहलाएंगे? टीनोफोर्स. ठीक है, इसके जो ये जो टीनोफोर्स हैं, इस फाइलम के जो अगर टीनोफोर हैं, इन्हें कॉम्ब जेलीज, या फिर सी वॉलनट्स भी कहते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? कॉम्ब जेली मतलब इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कॉम्ब की तरह, कंघी की तरह दिखेंगे, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे वॉलनट, अखरोट की तरह होगा, गोलाकार, इसलिए कॉम्ब जेलीज या फिर वॉलनट स्ट्रक्चर में कहते हैं. इज इट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या लिखोगे इसके बाद? अब इसके बाद आप क्या लिखना पसंद करोगे इसमें बताओ मुझे. हैबिटेट क्या होगा? रहेंगे कहाँ ये लोग? एक्सक्लूसिवली मरीन. पानी में रहेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में, फ्रेश वाटर में भी नहीं रहेंगे. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है भाई, आपने जो और अदर टॉपिक्स पढ़े थे, जर्म लेयर्स, ये वाली लेयर, ये आप चाहो तो इंटरनल स्ट्रक्चर में एडिटिव पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, पहले आप लोग एक काम करो. चलो स्ट्रक्चर में आप लोग इसके, चलो एग्जाम्पल्स में बाद में बता दूंगी. स्ट्रक्चर में हम लोग इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चल रहे हैं, प्लूरोब्राचिया. प्लूरोब्राचिया जिसको द सी गूजबेरी कहते हैं. सी गूजबेरी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सी गूजबेरी. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरी वन? चलो अब अगर इसके शेप को कंसिडर करके चलें, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल देखें, भाई एक्सटर्नल में तो हमें सिर्फ साइज और शेप ही मिलेगा, सिर्फ साइज और शेप ही दिखेगा. कैसा दिखता है ये? बॉल शेप्ड.
कैसा दिखता है? बॉल की तरह, ऐसा बॉल शेप्ड होता है, ठीक है, स्फेरिकल। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब ये ऐसा बॉल की तरह है, ये यहां लिख लो, ये क्या है, ऐसा बॉल की तरह है, और ये इसका माउथ है, और इसके आजू बाजू से इसके पास भी क्या निकलते हैं, टेंटेकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? टेंटेकल्स निकलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर आपके पास माउथ के साथ साथ एनस भी है, मतलब एक ओपनिंग की तरफ माउथ है जहां से फूड को लोगे, और दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट ओपनिंग की तरफ एनस है जहां से आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालोगे। अब इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर ऐसे कॉम्ब की तरह लंबे लंबे ट्रांसवर्स प्लेट्स होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कितने प्लेट होंगे? 8 प्लेट्स होंगे। तो स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है हमें बाहर के, हैज 8 कॉम्ब प्लेट्स अरेंज लॉन्जिट्यूडनली। ठीक है, कैसे होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इनके ऊपर क्या है, ऐसे ब्रिसल्स की तरह स्ट्रक्चर, जैसे कंगी नहीं होती है, हमने कंगी नहीं देखी है अपनी, कंगी ऐसी होती है प्लेट की तरह और उस पर ब्रिसल्स होते हैं। ये क्या है? कॉम्ब प्लेट्स। बनाइए इस डायग्राम को, ठीक है। ईच प्लेट हैज थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? और क्या क्या दिखेगा? हैज माउथ ऑन वन एंड एंड एनस ऑन एनदर एंड एंड पेयर ऑफ टेंटेकल्स arises near to the mouth. Getting my point? लिखो इसको, बनाओ। सिलेबस मैंने कहा ना, ये ईयर लॉन्ग है, तो आपके जब फरवरी से आपका वो स्टार्ट होने वाला है ना एग्जाम, तो वी विल कंप्लीट द सिलेबस बाय दिसंबर, और हो सकता तो जल्दी करा दूंगी, फिर रिवीजन ले लेंगे, क्रैश कोर्स मैराथन्स ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो एनस है, एनस के पास, बिल्कुल एनस के पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, स्टेटोसिस्ट।
बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। अब ये भी बॉल की तरह है, विंड करंट्स इसको इधर से उधर मूव करवाते हैं, तो बैलेंस रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए स्टेटोसिस्ट होता है। हैज बैलेंसिंग ऑर्गन, ये बाहर से देखने पे सब कुछ दिख रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टेटोसिस्ट नियर टू एनस, जिस बच्चे का मॉर्निंग में छूट जाता है वो यूट्यूब पर लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी को सब्सक्राइब करे, और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं पहले पढ़ाए हुए, आज का पहले का सबको बार बार रिकॉर्डेड वर्जन में देखे, मैक्सिमम डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम कंसीडर करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में ले दे के हम सेल की स्टडी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सेल की स्टडी कर सकते हैं, तो हम बॉडी का प्लान, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, उसका जर्म लेयर, उसका सीलोम, उसका बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर? अब बॉल की तरह है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, आप क्या करो इसका क्या करोगे, अगर आप इसका टीएस लोगे तो आपको क्या है ऐसे ऊपर से गोला नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सेक्शन लेने पर शो सर्कुलर पैटर्न, इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? अब इंटरनल जाने पर आपको दिखेगी बॉडी वॉल। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो कवर हो गया है कि आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या क्या आ सकता है आपके इंटरनल में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का प्लान दिखेगा आपको, जर्म लेयर्स जो बॉडी वॉल इंडिकेट कर रही है, ठीक है, और सीलोम का कॉन्सेप्ट भी दिख जाएगा आप लोगों को। इज इट क्लियर? और कौन से पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर? सिमेट्री मैंने आपको बता दी थी, वो बार बार एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अगेन, अगर बॉडी वॉल है तो थ्री लेयर्स की है, आउटर, एपिडर्मिस, मिडल, मीजोग्लिया और इनर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस मतलब वही, चाहे ट्रू एलिमेंट्री कैनाल हो कि नहीं हो, हम गट को कंसीडर करेंगे। जैसे ये बाहर की है तो बाहर की कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई है, प्रोटेक्टिव है, सिक्रेटिव है, एब्जॉर्प्टिव है। ठीक है, फिर बीच में क्या कंसीडर करोगे आप? गट को कंसीडर करो। बीच में क्या कंसीडर करो आप? गट को कंसीडर करो। जो एक मान लो कि कोई कैविटी पास हो रही है, उसके आसपास अगर आप कुछ सेल्स को बिठाओगे तो वो क्या कहलाएंगे? गैस्ट्रोडर्मिस। इज इट क्लियर? इनर लेयर। और बीच की जो लेयर है, जो बीच का ये जो पार्ट है, ये क्या है? मीजोग्लिया है। ये किसका बना हुआ है? मीजोग्लिया। ये वेरियस टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ रहेगा। ये आपके जैसे सेल्स हो गए, अमीबोसाइट्स भी होंगे इनके अंदर, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, मसल सेल। तो ये
मीजोग्लिया क्या है? कवर है। तो यहां पर भी कॉमन सेंस की बात है कि जब मीजोग्लिया मीजोडर्मल है, कवर है, तो सीलोम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो ठीक है, ये क्या है? आपकी मीजोग्लिया है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? अब एक खासियत होती है। हाँ बेटा, मैं नीट भी पढ़ाती हूँ। नीट में देखो, आप लोगों को पता है ना कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए रोज़ दिन में 1 बजे स्पेशल क्लास होती है। अब जैसे कल नहीं थी तो टेलीग्राम पे लिखा कल नहीं है, पर वैसे रहती है। आज 1 बजे आप फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास होती है। उस पर मैंने क्या स्टार्ट किया है? नीव कोर्स फॉर फाउंडेशन टॉपिक बेस्ड सीरीज, जिसमें हम लोग कोई भी एक टॉपिक उठाकर अच्छे से पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड दूसरे दिन क्वेश्चंस करेंगे। नीट क्या बोलते हैं, नीव कोर्स फॉर फाउंडेशन MCQ बेस्ड सीरीज, उसी तरीके से रोज शाम को 4 बजे स्पेशल क्लास होती है नीट के बच्चों के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। उस पे कोर्स का नाम क्या है? नीट रैंक अप टॉपिक बेस्ड सीरीज, नीट रैंक अप MCQ बेस्ड सीरीज। मतलब टॉपिक पढ़ो और उसको क्लियर करके उसके क्वेश्चन करो, दैट विल मेक द कोर ऑफ बायोलॉजी हायर एंड हायर। ओके, अब देखो होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें एक बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है। और दीज ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये जो कॉम जेलीज हैं, एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनिसेंस। ये अपने अंदर से लाइट इमिट करती हैं, एबल टू इमिट लाइट, एबल टू इमिट लाइट। ठीक है, करो, क्योंकि हमें प्लेटी हेलमिन थीसिस भी आधा करना है आज। इज इट क्लियर? अब आपको पता है और एक्सटर्नल में आपको क्या दिख रहा था? नियर माउथ। बच्चों, अगर आपने एनिमल किंगडम की थ्योरी मेरी पकड़ ली ना और लिख ली ना, मैं सच में कह रही हूँ, एनिमल किंगडम में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, चाहे स्कूल में हो या कंपटीशन में हो। नियर माउथ टेंटेकल्स आर प्रेजेंट, और इन टेंटेकल्स के ऊपर कुछ स्पेशल एडहेसिव सेल्स होते हैं, जो एडहेसिव होते हैं, जो चिपक जाते हैं लेकिन स्टिंग नहीं होते हैं, डंक नहीं मारते हैं। ठीक है, जैसे किसी फूड को कैप्चर करना है तो नियर माउथ टेंटेकल्स आर प्रेजेंट, हैज किस तरीके के, हैज स्पेशल सेल्स, स्पेशल एडिसिव सेल्स कॉल्ड एज लेजो सेल्स, कॉल्ड एज लेजो सेल्स। ये क्या होते हैं? जैसे कोई भी प्रे जा रहा है, कोई भी फूड जा रहा है, तो टेंटेकल सेल से खुलते हैं, उस प्रे पर गिरते हैं, डंक नहीं मारेंगे, स्टिंगिंग सेल नहीं है, उसको मारना नहीं है, उस पे अडेयर हो जाते हैं और टेंटेकल्स को पूरा का पूरा माउथ के पास ले जाकर फूड को माउथ के पास छोड़ देते हैं। इसलिए तो टेंटेकल्स को माउथ के पास रखा है। ठीक है, दीज सेल्स अडेयर फूड एंड देन पोर इन टू माउथ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या आएगा स्टूडेंट्स? फिर हम लोग क्या करेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन? वही हिटरोट्रॉफ्स। क्या होंगे हिटरोट्रॉफ्स? क्या खाएंगे? पानी में रहते हैं तो वही जूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, यूनिसेल्यूलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है,
डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल पहले वालों की तरह, पॉरीफेरा और निडेरियन की तरह। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेल्यूलर, इनसाइड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है भाई, आप एक चीज और लिख सकते हो, नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन में नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो किससे होगा रेस्पिरेशन? बाय जनरल बॉडी सरफेस। गेटिंग माई पॉइंट? रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन किससे होगा? एक मिनट, सर्कुलेशन किससे होगा? वही जो सिस्टम है अंदर ही अंदर कैविटी में घूमता रहेगा, बाय कैविटी। एक्सक्रीशन, अगर पानी है तो अमोनोटेलिज्म, ठीक है। एक्सक्रीट अमोनिया, NH3, ठीक है, लिख लो। बेटा वर्टिब्रेट जब आएगा तभी पढ़ाऊंगी ना, पहले बीच बीच में थोड़ी बताऊंगी। वर्टिब्रेट्स क्या होंगे? जिनकी कोर डेटा वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, ठीक है। और ये टफ नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ पॉइंट्स को याद रखना है। अभी एंड में जब एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा तो उसको एक टेबल बना के रिवाइज करेंगे। मैंने कल भी कहा था इसकी टेबल बनाओ और घर पे लगाओ दो दो फाइलम की, तभी ही तुम लोगों को याद होगा, ठीक है। Getting my point? अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? Skeletal system. Skeletal system में क्या है, इनकी जो कॉम प्लेट्स होती है ना, कॉम प्लेट्स एक्टिंग एज स्केलेटन, एंडो एक्सो दोनों की तरह काम करेगी, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन कैसे करेगा? लोकोमोशन कैसे करेगा बताओ? लोकोमोशन कैसे करेगा? बाय टेंटेकल्स, और ये जो कॉम प्लेट्स के ऊपर प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये सीलिया ही तो होते हैं, तो आप इनको सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स कह सकते हो। तो सीलिया भी तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, सीलिया ऑफ कॉम्ब प्लेट्स, इज इट क्लियर? उसके बाद लोकोमोशन के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बिल्कुल निडेरियंस की तरह है, थोड़े बहुत ए पोलर न्यूरॉन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब न्यूरॉन्स आए हैं पर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इससे ही रिलेटेड क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन का आता है, इसके साथ ही जोड़ के लिखना,
सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन कौन सा है जो एनस के पास है? स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग। पानी के अगर वाटर उधर मूव कराएंगे तो बैलेंस करने में मदद करेगा। स्टेटोसिस्ट। ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग नियर एनस। ठीक है, तो माउथ एक तरफ है, उसके पास टेंटेकल्स हैं क्योंकि उसको खाने को डालना है, टेंटेकल्स ही खाने को कैप्चर करेंगे, और जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो एनस के पास है। ठीक है, इसको लिख लो। चलो यही फाइलम पढ़ते हैं लास्ट में, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा आज। क्या करोगे फिर? रिप्रोडक्शन। प्लैटीहेल्मिंथीस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देके जाऊंगी। रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन में भाई हमें पता है कि अभी ही तो बनना स्टार्ट हुए हैं, तो बाइसेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल से कुछ भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है। तो अंदर कोई ना कोई ऐसे सेल्स होंगे जो गैमीट्स को बनाएंगे। ठीक है, अगर गैमीट्स हैं तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन भी होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन एक्सपेक्ट करोगे? पानी है तो एक्सटर्नल, पानी है तो एक्सटर्नल। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। क्या होंगे? ओवीपैरस, एग लेइंग, उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज एग्जिबिट होगा। अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूं, एग्जाम्पल में कौन से आएंगे बताओ? टीनोप्लाना, प्लूरोब्राचिया और होमीफोरा। आपकी बुक में ये सब लिखा हुआ है लेकिन सब पॉइंट्स में डिवाइडेड नहीं है, इसलिए दिक्कत आएगी। और सिस्टम, ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला फाइलम। अब कौन सा फाइलम पढ़ना है? चौथा फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस। प्लैटी का मतलब प्लेट की तरह, बॉडी कैसी होगी? ऐसे चपटी प्लेट की तरह। और हेलमिंथ मतलब वर्म, वर्म मतलब कीड़ा, मतलब बॉडी खुद ही समझो लॉन्ग इलोंगेटेड है। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो क्या लिखूंगी कि ये क्या है? प्लेटी मतलब फ्लैट और हेलमिंथ मतलब वर्म। तो इनको आप कॉमनली फ्लैट वर्म्स भी कहोगे। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? फ्लैट वर्म्स भी कहोगे। इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? फिर आता है हैबिटेट। क्या आएगा स्टूडेंट्स? हैबिटेट कहां पर रहेंगे? देखो ये पानी में भी रह सकते हैं और चूंकि ये पैरासाइट है तो ये धरती पर भी आएंगे, और धरती पर आकर ये किस पे पैरासाइट बनेंगे? किसी भी बन सकते हैं, हम पे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब ये पानी में रहते हैं, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये दूसरे की बॉडी के अंदर घुस के रहकर उसे नरिशमेंट भी ले सकते हैं और बीमारियां भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एंडोपैरासाइट्स हैं जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी हद तक डिसाइड करता है।
डेफिनेटली डिजीज कॉजिंग. और एसोसिएशन कैसे बनता है, अगर आपने इकोलॉजी थोड़ा सा देखा है तो प्लस माइनस. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का सेशन ओवर होता है. बहुत बढ़िया एनिमल किंगडम चल रहा है बच्चों. मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए इस लिंक के थ्रू. डायरेक्ट नीतू भावनानी से भी कर सकते हैं. कल मैं आप लोगों को स्कूल से रिलेटेड अपडेशंस दूंगी, कितने बजे रात में टेलीग्राम पे डाल दूँ, क्योंकि आज और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं. दूसरी चीज़ क्या करने वाले हैं हम लोग, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और ज़्यादा बेहतर. यहाँ पर डाउट क्लियरिंग नहीं होती है, लेकिन प्लस पे लेंगे तो डाउट क्लियरिंग होगी. प्रॉपर PDF मिलता है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, क्वेश्चन बैंक होता है. उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए और लीजिए फाउंडेशन NTSC का सब्सक्रिप्शन कोड डाल के MB10, उससे 10% डिस्काउंट मिलता है. दूसरा, ऐप पर आपको लाइव क्विज खेलने को मिलेगा, जो कि मैंने कहा है कि मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगी, एक बीच का आधे घंटे का टाइम फिक्स करके, क्योंकि अब आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हो तो आप सुबह स्कूल जाओगे, तो हमें ये जो 9-10 के यूट्यूब सेशन है शाम को शिफ्ट करने पड़ेंगे. वो जब आपके स्कूल खुलेंगे तब हम लोग कर लेंगे. तीसरी बात, स्पेशल क्लास इंजॉय कर सकते हो. जानते हो फाउंडेशन के बच्चों के लिए मैंने रोज दिन में 1 बजे स्पेशल क्लास लगाई है, नीव कोर्स फॉर फाउंडेशन के नाम से. उसमें एक है टॉपिक बेस्ड और एक है MCQs बेस्ड सीरीज. ठीक है, इसका ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट. ठीक है, अब कल मिलते हैं सुबह YouTube पे 9:30 बजे मिलते हैं. लेट्स क्रैक फाउंडेशन NTSC पे कल 10th होगा. रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थोड़ा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को देख के करेंगे, जैसे अमीबा है, छोटे एनिमल्स को देखकर. और फिर दिन में 1 बजे स्पेशल क्लास. तो ये 2 टाइम फाउंडेशन के बच्चे सेट कर ले. कभी कोई सेशन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे डाल देती हूँ कि नहीं है. ठीक है, चलिए. और जो बच्चे कुछ नीट के देख रहे हैं, मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. ठीक है, 4 बजे उनके लिए स्पेशल क्लास होती है. वही नीट रैंक अप, नीट रैंक अप एक नाम है कोर्स का, वही उसमें भी टॉपिक बेस्ड सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड सीरीज. और नीट के बच्चों के लिए, फाउंडेशन के बच्चों के लिए इस बार संडे को बहुत धमाकेदार क्लासेस चलने वाली हैं. ठीक है, और नीट के बच्चों के लिए तो मैं कहूंगी कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि नीट UG के सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बढ़ने वाले हैं. तो बढ़ने से पहले ही अगर नीट UG का सब्सक्रिप्शन ले लें तो क्या दिक्कत है. कोड यूनिवर्सल चल रहा है MB10, जहां पर अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो सेशंस के लिए टेलीग्राम पे जोड़ो, बेहतर पढ़ाई करने के लिए, बेस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन MB10 से जोड़ो. ठीक है, और अब दिन में 1 बजे मिलते हैं नीव कोर्स फॉर फाउंडेशन, 1 बजे स्पेशल क्लास पे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए टिल देन.